चेक, मेरा एक सवाल ये था कि अगर बीवी है, अगर वो नमाज नहीं पढ़ रही है और बार बार बोलने के बावजूद भी नहीं पढ़ रही है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? जी शेख, शेख भाई ने क्या सवाल किया कि बीवी है, बार बार बोलने के बाद नमाज पढ़ नहीं पढ़ रही है, तो क्या नमाज नहीं करना? पढ़ रही है तो उसके साथ क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, तलाक के मसाइल के कुछ मसाइल कुछ इब्तदाई अहकाम हमने जिक्र किए थे, तो उसमें एक चीज जी मैंने ये जिक्र किया था कि तलाक का हुक्म क्या है। तो तलाक का के हुक्म में एक बात ये आई थी कि अगर कोई बीवी या कोई शौहर कोई ऐसा गुनाह कर रहा है जिस जो गुनाह मुकफ्फिर है, यानी जिस जी गुनाह के करने से कुफ्र लाजिम आता है, तो ऐसी सूरत में उस बीवी के साथ या उस शौहर के साथ रहना हराम है। और नमाज के सिलसिले में उलमा की एक बड़ी तादाद का कहना है कि अगर बगैर किसी उज्र के कोई नमाज छोड़ रहा है तो काफिर है। जी हालांकि मैं ये फतवा नहीं दे रहा हूं, ये इख्तलाफी मसला है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नमाज के सिलसिले में उम्मत के एक बड़ी जमात का कहना है कि तारिके सलात काफिर है, ये इतना बड़ा गुनाह है। तो ऐसी बीवी को आप समझाइए, अगर वो फिर भी नहीं मान रही है तो उसके साथ रहना मुनासिब नहीं है। बहुत सारे उलमा ने तो कहा है कि उसको तलाक दे देना वाजिब है, लेकिन कम जी से कम उसको तलाक देना मुस्तहब है। अगर वो ना माने तो मुस्तहब होने में तो कोई शक और शुबहा नहीं है कि जो बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है समझाने के बावजूद भी उसको तलाक देना ये मुस्तहब है, क्योंकि वो एक मासियत का इर्तिकाब कर रही है कम से कम। और उलमा की एक बड़ी जमात का कहना है कि ऐसी बीवी को तलाक दे देना वाजिब है, मुस्ताब नहीं बल्कि वाजिब है।